आखिर पाकिस्तान के प्लेयर जिनका नाम है सलमान, आखिर उनको इतना बुरा किसने मारा? मतलब वो वाला मारना नहीं, मतलब हाथ पैर वाला बुक्का मारना, पंच मारना, वो वाला मारना नहीं, बल्कि बॉल से किसने मारा जिसके उनकी ऐसी हालत हो चुकी थी जो मैदान से शायद बाहर हो चुके थे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि दो दिन लगातार मैच चलने के बाद, मतलब इंडिया पाकिस्तान का मैच दो दिन से चल रहा था, पानी की वजह से, मतलब एक दिन पूरा मैच नहीं, फिर दूसरे दिन हुआ और दूसरे दिन भी पानी आ चुका था, लेकिन फाइनली इंडिया जीत जाती है, वो भी अच्छे खासे रन से, मतलब 228 रन से इंडिया जीतती है और बड़ी जीत अपने नाम हासिल कर लेती है। के राहुल ने अच्छा खेला था, कमबैक करा, विराट कोहली ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया, 122 रन मारे थे, जो कि बड़ी बात होती है इतने बड़े मैच के अंदर इतने बड़े रन मारना। लेकिन ऐसे में एक ऐसा मोमेंट होता है जो पाकिस्तान के प्लेयर जिनका नाम है सलमान, वो बैटिंग करते एक तरफ से, जो कि पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुकी थी, वो एक तरफ से बैटिंग करते और एक तरफ से जो बॉल करते, जिन्होंने उनको बॉल मारा वो थे रविंद्र जडेजा। हालांकि ज़बरदस्ती नहीं मारा, उन्होंने खुद हेलमेट नहीं पहना था, अगर वो हेलमेट पहनते तो शायद उनके नाक वगैरह को इतना खून नहीं बहता, लेकिन वहाँ भी मोहब्बत की मिसाल कायम हुई, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का ऐसा नाता है, मतलब छोटे भाई बड़े भाई, मतलब बोलते नहीं पीठ पाव के भाई, वैसा नाता है, कभी लड़ते कभी झगड़ते और फिर आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ अच्छे से भी रहते हैं। जैसा कि आप सब, जैसे उनके नाक को लगा वैसे ही के राहुल आते हैं और उनके नाक वगैरह को देखते हैं, उनको मतलब एक सपोर्ट देते हैं। मतलब ये सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल होने की कैसे कारण बोला कि ये मोहब्बत की मिसाल है, लेकिन आप सब दादू जिन्होंने उन्हें मारा था वो थे रविंद्र जडेजा, जिनके बॉल की वजह से उनको ये लगा था। लेकिन ऐसे में आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये मैच के अंदर कितना मजा आया, मतलब लगातार आपने दो दिन मैच का लुफ्त उठाया, आपको कितना मजा आया कमेंट करके बताइए। और इसी के साथ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, फैलाइए ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे कुछ इस तरह से कारण हुआ था ये वाले मैच के अंदर। इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर फैलाइए।